इस एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें दिखाया गया कि रियासती किंगडम के जो प्रिंस है वो अपनी बहन से बात करता है। एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन होती है इस चीज़ को लेकर कि अगर वो लोग चाहें तो रियासती किंगडम में जितने भी लोग रह रहे हैं वो अगर बगावत ना करें तो हम लोग उनके बीच में 100 आर्मी को रख कर उन्हीं से एग्रीकल्चर करवाएंगे। एंड ये काफ़ी बड़ा अच्छा और फ़ायदेमंद सौदा रहेगा। इससे लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ भी नहीं होंगी और उनसे हम टैक्स लेकर ये सारी चीज़ें काम करवा सकते हैं 100 आर्मी से। जो लोग भी अफोर्ड कर सकेंगे वो सभी लोग इन सभी लोगों से काम लेंगे एंड हमारी उपज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे लोगों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। इस चीज़ के बारे में सुनने के बाद जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा प्रिंसेस। एंड यहाँ पर प्रिंसेस भी काफ़ी खुश होती है एंड उसका गार्ड ये सारी बातें बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें फ़िलिप को दिखाया गया है। अब जिसे नहीं पता ये फ़िलिप कौन है तो वो प्लीज़ एपिसोड 2 देख कर आए। यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये बंदा एल्बिडो को पसंद करता है एंड यहाँ पर वो एल्बिडो के बारे में ही बात करता है इन दो नए आए हुए मेंबर से। एंड यहाँ पर पता चलता है कि ये भी काउंसिल्स के ही मेम्बर हैं जो कि आगे चलकर ये लोग रियासती किंगडम को ही संभालेंगे। तो हो सकता है कि जो प्रिंस की गद्दी है जहाँ पर वो लोग बैठने वाले हैं तो ये लोग कहीं उस पर हाथ ना जमा ले अपना और रियासती किंगडम में ऐसी सिचुएशन लाएंगे जिससे बगावत खड़ी हो सके। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये सभी लोग बात करते हैं एल्फिडो को लेकर एंड इस पर वो कहता है कि वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी जहाँ पर उसने उसे देखा था एंड फर्स्ट टाइप ऑफ लव हो गया। एंड यहाँ पर एक चीज़ और बताई जाती है, अगर वो उसे मिल जाए तो वो शायद आधी दुनिया जीत सकता है। यहाँ पर एक्चुअल में एल्बिडो को लेकर वो काफ़ी सिक्योर रहना चाहता था क्योंकि एल्बिडो उसी से प्यार करे और अगर ऐसा होता तो एल्बिडो काफ़ी अच्छी तरीके से और भी राज्यों को मैनेज कर सकती थी उसके लिए। लेकिन आयन सोल गून से वो प्यार करती है एंड हमें दिखाया गया आयन सोल गून के बगल में एक और बंदा खड़ा है, वो भी आयन सोल गून का ही एक आर्मर है जिसके अंदर कोई जान नहीं है, बस वो चल रहा है उनको दिखाने के लिए कि आयन सोल गून एंड मोंगमा दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं जबकि वो एक ही बंदे हैं। सभी लोग उनके सामने सर झुकाते हैं एंड उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं। यहाँ पे मोंगमा को इन सभी चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तभी उसे कॉल आता है एंड सभी के बीच में एक काफ़ी अच्छी मीटिंग बैठाई जाती है। एक्चुअल में यहाँ पर मीटिंग बैठाने का सिर्फ एक ही चीज़ मकसद था क्योंकि रियासती किंगडम में ऐसे हालात बन रहे थे जहाँ पर उनके बीच में बगावत हो सकती है एंड एल्बिडो के दस्तावेज एंड बाकी चीज़ों में भी कुछ हेरफेर हुए थे जिसकी वजह से ये मीटिंग लाई गई थी। एंड एल्बिडो के कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे फिलिप को लेकर। एक्चुअल में फिलिप के बीच में ये लड़की थी ही थी जो कि एल्बिडो को संभाल रही होती है उस पूरे के पूरे जो भी ऑकेजन था। यहाँ पर हमें दिखाया गया उस पार्टी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो इस लड़की ने मैनेज की थी लेकिन फिलिप उसकी एक गलती थी। यहाँ पर आयन सोल गून कहता है कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए एंड उसके सामने मैजिक स्पेल कास्ट करता है एंड उसे कुछ कहता तो नहीं है और वहाँ से जाने देता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मदद मांगती है एंड वो कहती है कि अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम फिलिप को बुलाएंगे ही नहीं। एल्बिडो उसे कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं इसे जाने दिया जाए क्योंकि वो उसे मारना तो चाहती थी लेकिन सबके सामने ऐसा नहीं करते हुए उसे जाने दिया। एंड यहाँ पर आयन सोल गून ये चीज़ देखकर थोड़ा सा शॉक भी होता है एंड उसे एक पोर्टल के थ्रू भेज देता है बाहर की तरफ। पोर्टल के बाहर निकलते ही यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उस लड़की से बात करते हैं अनंत से एंड हमें पता चलता है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड एक चीज़ और वो ये कहती है कि इसकी जान बच गई आज। एक्चुअल में इन लोग को भी इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़की वहाँ से ज़िंदा लौटकर वापस आएगी लेकिन वो काफ़ी तक खुश होती है एंड शर्माती है। यहाँ पर वो शायद आयन सोल गून से ये भी प्यार करने लगेगी, पता नहीं उस हड्डी में ऐसा क्या है कि सभी लड़कियाँ उधर पे मर रही है और हम जैसे मसल्स वाले बंदे यहाँ पर क्या झंडे गाड़ रहे हैं हम लोग। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया कि ये बंदा जो है वो अजीब तरीके से बिहेव करता है। ये मीटिंग कंटिन्यू करते हैं एल्बिडो एंड बाकी सभी चीज़ों को लेकर एंड ये लोग रियासती किंगडम में वापस जाने के लिए बात करते हैं। एल्बिडो को वापस से रियासती किंगडम भेजा जाने की तैयारी की जाती है। डैमियज कहता है कि ठीक है सर, लेकिन उसके पहले वो कुछ और भी चीज़ें बोलता है जिससे आयन सोल गून की आंखें चमक जाती हैं एंड आप समझ सकते हैं कि ये बंदा क्या चाहता है। एंड एक्चुअल में रियासती किंगडम में एल्बिडो को वापस भेजने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि एल्बिडो वहाँ पर जाके शांति संदेश लाए एंड जिससे रियासती किंगडम में जो भी बंदे बगावत करने की सोच रहे वो ना करें। दोनों राजा और उसका बेटा मिलकर इस एग्रीकल्चर वाले
जितने भी हस्ताक्षर होते हैं उन्हें देखते हैं राज्यों में, इन सभी चीज़ों पर एग्री होते हैं और इनके विजिट्स को एक अनाउंसमेंट भी की जाती है कि वो 100 आर्मीज को फार्मिंग के काम में लगाया जाए। यहाँ पर वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि राजा के बेटा जो होता है उसे गुस्सा आ जाती है अपने फादर की बात को सुनकर कि जो भी उसे मिलने वाला था वो ये स्कर्फ डैड उसे नहीं दे रहा। इस पर वो कहता है कि अभी तुम छोटे हो, अभी मैं सिर्फ तुम्हें कुछ चीज़ों के ही हकाजात दे सकता हूँ जिसे तुम हैंडल करो। जिसके बाद वो थोड़ा सा नाराज़ होता है अपने डैड से कि उसे अपने हाथ में पूरा कंट्रोल चाहिए था जो कि कंट्रोल नहीं मिला। तभी एक गार्ड आता है एंड बताता है कि उसे डाक की महारानी डाक की एक सेविका जिसका नाम एल्बिडो है वो यहाँ पर दोबारा आई हुई है और वहाँ पर वो उनसे मिलना चाहती हैं। ये सुनकर प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एंड हाँ, जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं शी हल्क के एपिसोड सेकेंड जल्दी ही लाने वाला हूँ, जैसे ही 25th को रिलीज होगा वो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय बाय।